लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर प्रदेश मुख्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बीजेपी की मैराथन बैठक हुई। सबसे पहले भाजपा के सभी मोर्चा यानी महिला मोर्चा, भाजयुमो, एसटी मोर्चा, एससी मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा समेत सभी मोर्चों के प्रदेश प्रभारी, अध्यक्ष, महामंत्री, संभाग प्रभारियों की बैठक हुई। इसके बाद क्लस्टर प्रभारियों, लोकसभा प्रभारियों, संयोजकों और सह संयोजकों की बैठक हुई, जिसमें लोकसभा चुनाव को लेकर लोकसभावार तैयारियों की समीक्षा की गई। वहीं लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर एक्सप्रेस संवाददाता दिलीप साहू ने बीजेपी से खास बीजेपी प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव से खास बातचीत की। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी की मैराथन बैठक आज चल रही है और अलग अलग मोर्चा प्रकोष्ठों, लोकसभा के क्लस्टर सहित विभिन्न प्रभारियों की बैठक यहां हो रही है और हमारे साथ प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव जी है। ये बैठक में किस किस तरह के तैयारियां को लेकर चर्चा होगी और क्या कुछ खास? देखिए, लोकसभा के चुनाव अप्रैल और मई महीने में सम्पन्न होंगे। मार्च में लगभग ऐसी उम्मीद है कि 10-12 मार्च के आसपास आचार संहिता लगेगी, अर्थात लोकसभा चुनाव पूरी तरीके से प्रारंभ हो चुका है। हमने विधानसभा के चुनाव के बाद से अपनी तैयारियों को प्रारंभ किया था। हमारी तमाम 11 लोकसभा की जो हमारी कमेटियां हैं, जो हमारे प्रभारी हैं, संयोजक संयोजकों की नियुक्ति हो गई है, हमारे लोकसभा के कार्यालय खुल चुके हैं, विधानसभा के कार्यालय प्रारंभ हो रहे हैं। मुझे लगता है कि बेसिक जो तैयारी होती है लोकसभा की हमारी हो गई है। इन लोकसभा चुनाव में हम आम मतदाता के बीच में किन विषयों को लेकर जाएं, ऐसे कुछ कार्यक्रम हमने निर्धारित किया है। उन कार्यक्रमों के माध्यम से हम जन जन तक जा रहे हैं, जैसे लाभार्थी संपर्क योजना, भू सशक्तिकरण से लेकर लोगों का पार्टी प्रवेश जो आना चाहते हैं, ऐसे अनेक प्रकार के कार्यक्रम हैं। आज उन कार्यक्रमों की समीक्षा विभिन्न बैठकों के माध्यम से होगी। ऐसी लगभग 4 बैठकें हैं और शाम को प्रदेश चुनाव समिति की एक बैठक है, उसमें जो भी तैयारियां होंगी, कल केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है, उसमें हमारे जो नेतागण अपेक्षित हैं उसमें जाएंगे। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि एक फुल मूड में बीजेपी आ चुकी है इस 11 लोकसभा के लिए जो हमने लक्ष्य लिया है। कही जा रही है कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में लगभग 5 लोकसभा सीटों के प्रत्याशी फाइनल कर लिए जाएंगे। नहीं, देखिए, पहले 5 जो लोकसभाएं थी जिसमें हम 2 हमारे पास नहीं थी, 3 में जो हमारे सांसद विधायक लड़े, ऐसी 5 सीटों पर पहले पर्यवेक्षक और प्रदेश चुनाव समिति की बैठक संपन्न हो चुकी है, वो नाम तैयार हो चुके हैं। बाकी अन्य जो लोकसभाएं हैं उसके लिए भी आज बैठक होगी, प्रदेश चुनाव समिति उस पर चर्चा करके जिन भी नामों को अपना पैनल बनाकर ले जाएगी। कल केंद्रीय चुनाव समिति है, विभिन्न राज्यों के साथ में छत्तीसगढ़ की भी चर्चा होगी, आने वाले समय के लिए जो टिकटें फाइनल होती हैं, तो मुझे लगता है उसकी बेसिक तैयारी करके आज दिन भर बैठकों का आयोजन है। और ये केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, उसमें कल यहाँ 5 जो लोकसभा के प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी जाएंगी? नहीं, देखिए, केंद्रीय चुनाव समिति इस बात को तय करेगी और इस नेता तय करेंगे कि कब जारी करना है, क्या बैठकें होंगी, कब कल बैठकें हैं, कल हो पा रही हैं कि परसों होंगी, कहीं समय की सीमा रहती है, उसके बाद कब तय करना है, कब डिक्लेयर करना है, ये सब केंद्रीय चुनाव समिति का विषय, केंद्रीय नेतृत्व का विषय है। तो मुझे लगता है कि जब भी होगा उचित वहाँ से टिकटें डिक्लेयर होंगे। तो ये थे प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव जी। इनका साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी की तमाम जो तैयारियां हैं वो हो चुकी है, चुनाव तैयारियों को लेकर ही बैठकें चल रही है और जल्द ही प्रत्याशियों के नामों की घोषणा भी हो जाएगी। कैमरा पर्सन गुपेन के साथ स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू। फिलहाल की खास खबरों में इतना ही, आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।